इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्ट रॉयल पर सभी पायरेट्स को और उनको भी जिनका पायरेट से किसी भी तरह का रिलेशन है उन सबको मार रहे होते हैं। इनमें एक बच्चा भी होता है जो पायरेट्स का गाना गाना शुरू कर देता है और यहाँ पर सभी पायरेट्स का गाना गाने लगते हैं और ये एक तरह की गुहार होती है समुंदर के 9 पायरेट्स से जो समुंदर पर राज करते हैं। लॉर्ड कटलर जब इस गाने को सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है क्योंकि वो जानते हैं कि समुद्र के वो 9 बड़े लुटेरे जो पूरे समुद्र पर राज करते हैं अब वो इकट्ठा होंगे और लॉर्ड कटलर उन सबको मारकर समुद्र पर अपना राज चाहते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डीवी जॉन्स का दिल है, यानी कि अब डीवी जॉन्स वही करेगा जो लॉर्ड कटलर कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा, एलिजाबेथ और विल टर्नर को दिखाया जाता है जो सिंगापुर जाते हैं। दरअसल सिंगापुर में साउ फेंग रहता है जो साउथ चाइना सी का लॉर्ड है, यानी कि वो 9 कैप्टन में से एक कैप्टन साउ फेंग भी है और साउ फेंग के पास समुद्र का वो नक्शा है जिस नक्शे की मदद से दुनिया के दूसरे छोर तक जाया जा सकता है जहाँ पर जैक स्पैरो जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है। अगर इन्हें जैक स्पैरो को और ब्लैक पर्ल जहाज को वापस लाना है तो इन्हें उस नक्शे की और एक जहाज की जरूरत है जो साउ फेंग ही नहीं दे सकता है। साथ ही जैक स्पैरो का वापस आना भी जरूरी है क्योंकि समुद्र के वो 9 कैप्टन में से उन 9 लॉर्ड में से एक जैक स्पैरो भी है। उसके बिना इस मीटिंग का होना नामुमकिन है। बारबोसा कहता है कि मदद का गाना गाया जा चुका है और हमें अगर पायरेट्स को अब बचाना है तो हम सबको यानी कि 9 लोगों को जल्द से जल्द मीटिंग करनी होगी। अब यहाँ इन पर ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन लॉर्ड कटलर की सेना हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी साउ फेंग विल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि जिस दिन तुम सिंगापुर आए उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई। तुमने बारबोसा को धोखा दिया और अब तुम विल को भी धोखा देने जा रहे हो। दरअसल विल ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि लॉर्ड कटलर को इन्फॉर्मेशन दी थी। विल कहता है मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे ब्लैक पर्ल जहाज की ज़रूरत है। अगर तुम भविष्य में लॉर्ड कटलर से डील करना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। इसके बाद विल अपने दोनों साथियों के पास यानी कि एलिजाबेथ और बारबोसा के पास जाता है। विल उन्हें बताता है कि साउ फेंग ने नक्शा दे दिया, साथ ही हमें एक जहाज भी दे दिया, हमें वो मीटिंग वाली जगह पर मिलेगा। इसके बाद बारबोसा, एलिजाबेथ, विल और उनके सभी साथी उस बड़े जहाज से दुनिया के आखिरी छोर के सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों के सफर के बाद ये रास्ता भूल जाते हैं और तभी इनके सामने बहुत बड़ा झरना आता है जिस झरने से इनका शिप नीचे गिर जाता है। वहीं जैक स्पैरो और ब्लैक पर्ल जहाज दिखाया जाता है जो बीच रेगिस्तान में होता है। यहाँ पर जैक को भ्रम होता है, वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। इसके बाद वो ब्लैक पर्ल से नीचे उतरता है जहाँ पर उसे एक सफ़ेद पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को फेंक देता है। दरअसल में ये पत्थर नहीं होता बल्कि केकड़ा होता है और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं जो ब्लैक पर्ल जहाज को घसीटते हुए उसे समुद्र की तरफ ढकेलना शुरू कर देते हैं। वहीं इसी समुद्र के किनारे पर दिखाया जाता है जहाँ पर बारबोसा, विल, एलिजाबेथ और डियर डेलिमा और बहुत सारे पायरेट्स आ चुके होते हैं। शुरू में जैक को लगता है कि ये उसका भ्रम है लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। वो सब उसको यहाँ पर लेने के लिए आए होते हैं। हालांकि वो एलिजाबेथ से नाराज होता है क्योंकि उसने उसके हाथ में हथकड़ी ना बांधी होती तो ड्रैगन कभी भी उसे निकल नहीं पाता। ये बात यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होती पर जैक स्पैरो सबको बता देता है और इसके बाद ये ब्लैक पर्ल पर बैठकर वापसी के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जो पानी से कहीं जा रही होती हैं। डियर डेलिमा 2 पायरेट्स को बताती है कि समुद्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें उस पार जाना होता है। डीवी जोन्स को समुद्र की देवी कैलिप्सो ने यही काम सौंपा था और इसके बदले हर 10 साल में वो एक बार जमीन पर जा सकता है जहाँ पर वो उस लड़की से मिल सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर डीवी जोन्स ने अपने काम को नहीं किया, वो मुकर गया, इसलिए कैलिप्सो ने उसे शैतान बना दिया। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी नाव दिखाई देती है और इनमें से एक नाव में एलिजाबेथ के पिता बैठे होते हैं। एलिजाबेथ को बताया जाता है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, दरअसल लॉर्ड कटलर ने उनकी हत्या कर दी। एलिजाबेथ को सुनकर ये बहुत दुख होता है। वहीं अगली सुबह भी इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। पर जब जैक स्पैरो नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा होता है कि अप इज डाउन
और वो समझ जाता है कि हमें जहाज़ को पलटना होगा, तभी हम इस दुनिया से अपनी दुनिया में पहुंच पाएंगे। और वो सब के सब आगे पीछे जहाज़ में होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जहाज़ पलट जाता है। और कुछ ही देर बाद ब्लैक पर्ल इनका जहाज़ समुद्र से बाहर निकलता है। ये अब अपनी असली दुनिया में समुद्र में पहुंच चुके हैं। ये सब के सब बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए पास के टापू में जाते हैं जहाँ पर क्रैकन की डेड बॉडी होती है। दरअसल लॉर्ड कटलर ने डीवी जॉन्स से ही उसके क्रैकन को मरवा दिया होता है, क्योंकि उनके पास डीवी जॉन्स का दिल है। जो वो कहेंगे वही डीवी जॉन्स को करना होगा। वहीं ये सब के सब आइसलैंड के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर डेड बॉडीज होती हैं जो कि साउथफेंग के आदमियों की होती है। और अगले ही पल इन्हें बताया जाता है कि साउथफेंग का जहाज इसी तरफ आ रहा है। इनके साथ साउथफेंग के जो लोग होते हैं वो जैक पर गन तान देते हैं, और ये सब के सब अब साउथफेंग के कब्जे में है। तभी विल साउथफेंग को कहता है कि इन सब को छोड़ दो, ये हमारे सौदे का हिस्सा नहीं था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि विल ने उन सबको धोखा दिया था। विल कहता है कि मैंने अपने पिता को डीवी जॉन से छुड़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन साउथफेंग विल की बात नहीं सुनता क्योंकि उसने पहले से ही लॉर्ड कटलर से सौदा कर लिया होता है। साउथफेंग जैक से कहता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है, और उसे लॉर्ड कटलर का जहाज दिखाता है। इसके बाद जैक स्पैरो को लॉर्ड कटलर के पास भेज दिया जाता है। दरअसल ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कटलर जैक स्पैरो को कहता है कि डीवी जॉन्स को नहीं पता कि तुम जिंदा हो, जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हम एक सौदा कर सकते हैं, तुम्हें मुझे बस कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तुम्हें मुझे समुद्रों के लुटेरों के 9 सरदारों के नाम बताने होंगे, ये भी बताना होगा कि उनकी मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, और 8 के जो 9 सिक्के हैं आज भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि उनका मकसद क्या है। दरअसल लुटेरों के हर सरदार के पास एक सिक्का होता है जो बहुत कीमती है, और उन सिक्के के 9 के 9 लुटेरों के सरदार कुछ करने वाले हैं। वही ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया जाता है, जहाँ पर साउथफेंग लॉर्ड कटलर के आदमी से कहता है कि मुझसे वादा किया गया था कि ब्लैक पर्ल जहाज अब मेरा होगा। वो साउथफेंग से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज दे देंगे जो डचमैन जहाज को भी हरा सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब बारबोसा साउथफेंग से कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लुटेरों के किए गए वादे को कभी नहीं निभाते, तुम हमारा साथ दो। साउथफेंग कहता है हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके पास डचमैन जहाज है और अब ब्लैक पर्ल भी है। बारबोसा कहता है कि हमारे पास समुद्र की देवी कैलिप्सो है, वो भी इसी जहाज में एक औरत के रूप में है। सोचो उसकी शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं, लेकिन उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे 9 के 9 पायरेट्स की जो सरदार हैं उसकी निशानियाँ चाहिए होंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द 9 सरदारों को इकट्ठा करके मीटिंग करनी होगी। साउथफेंग को लगता है कि जिस इंसान के अंदर देवी कैलिप्सो है वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबैथ है, इसलिए वो बारबोसा से कहता है कि तुम्हें मुझे एलिजाबैथ को देना होगा, बदले में तुम ब्लैक पर्ल जहाज को रख सकते हो। एलिजाबैथ को यहाँ कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि वो यहाँ से किसी भी कीमत से निकलना चाहती है, इसलिए वो उसकी शर्त मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर को दिखाया जाता है। जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर के बीच में डील डन हो जाती है, तभी कटलर के शिप के अंदर हमला हो जाता है। जैक स्पैरो वहाँ से निकल जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज पर चला जाता है। कटलर देखता है कि ब्लैक पर्ल और साउथफेंग का जहाज दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। कटलर कहता है कि डेवी जॉन्स को कहो कि वो साउथफेंग का पीछा करेगा, मैं ब्लैक पर्ल के पीछे जाऊँगा। वही साउथफेंग के जहाज में दिखाया जाता है जो एलिजाबैथ को समुद्र की देवी कैलिप्सो समझ रहा होता है। वो कहता है कि पहली बार जब लुटेरों की मीटिंग हुई थी तो उसमें लुटेरों के सरदारों ने ये तय किया था कि समुद्र की देवी कैलिप्सो को एक औरत के जिस्म में बांध दिया जाएगा ताकि समुद्र पर मर्दों की हुकूमत हो। हालांकि मैं इसके खिलाफ था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। दरअसल साउथफेंग उससे उसकी शक्तियां लेना चाहता था, उसका हुनर सीखना चाहता है, पर तभी एक तोप का गोला इनके शिप पर लगता है जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा साउथफेंग के जिस्म के आर पार हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने गले का लॉकेट एलिजाबैथ को दे देता है और कहता है कि अब तुम इस शिप के कैप्टन हो। दरअसल इनके शिप पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि डेवी जॉन्स के जहाज डचमैन ने किया होता है। डेवी जॉन्स और उसके आदमी सबको बंदी बना लेते हैं और डचमैन जहाज पर ले जाते हैं, जहाँ पर जेम्स भी होता है। जेम्स जब एलिजाबैथ को देखता है तो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, एलिजाबैथ मना करती है और वो अपने साथियों के साथ एक बंदी की तरह जहाज में रहती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात विल के पिता से भी होती है जो अब जहाज का हिस्सा बन चुके हैं। एलिजाबैथ उन्हें बताती है कि जल्दी विल तुम्हें लेने के लिए आएगा, पर विल के पिता एलिजाबैथ को जानते हैं। वो कहते हैं कि विल अगर यहाँ पर आ भी गया तो वो हम दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकता है। अगर उसने मुझे बचाया तो पहले उसे डेवी जॉन्स को मारना होगा
और जो भी इस शिप के कैप्टन को मारेगा तो उसे खुद इस शिप का कैप्टन बनना पड़ेगा। और जो भी डचमैन जहाज का कैप्टन होता है वो 10 साल में सिर्फ एक बार ही ज़मीन पर जा सकता है, यानी कि वो तुमसे 10 साल में सिर्फ एक बार ही मिल पाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वही ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहा होता है जहाँ लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर विल भी होता है जो लकड़ी के डिब्बे के साथ डेड बॉडीज़ को बांधकर पानी में फेंक रहा होता है। डेड बॉडीज़ की जेब में एक नक्शा भी होता है ताकि ये बॉडीज़ पीछे आते हुए लॉर्ड कटलर के जहाज को मिले और वो उस जहाज तक पहुँच जाए जहाँ पर लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है, और इसके बदले लॉर्ड कटलर उसके पिता को डचमैन जहाज से रिहा करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो विल को अपना कंपास देता है और पानी में फेंक देता है। वहीं डेवी जॉन्स के डचमैन जहाज पर दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स एलिजाबेथ और उसके साथियों को रिहा कर देता है। पर तभी यहाँ पर विल के पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और वो जेम्स को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कटलर के जहाज पर पहुँच चुका है। वहाँ पर डेवी जॉन्स भी होता है। विल उसे बता देता है कि जैक जिंदा है, साथ ही लुटेरों के 9 सरदार आपस में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो समुद्र की देवी कैलिप्सो को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं। डेवी जॉन्स बताता है कि जब पिछली बार समुद्र की देवी कैलिप्सो को बंदी बनाकर किसी इंसान के शरीर में डाला गया था तो इसका राज मैंने ही बताया था, तभी लुटेरों के 9 सरदार ऐसा कर पाए थे। यहाँ पर वे लॉर्ड कटलर से कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊँगा जहाँ पर लुटेरों के 9 सरदार आपस में मीटिंग करने वाले हैं। बदले में तुम्हें मेरे पिता को, जो डेवी जॉन्स की कैद में डचमैन में बंदी हैं, उन्हें आज़ाद करवाना होगा। इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लुटेरों के 9 सरदार इकट्ठा हो चुके हैं। इनमें एलिजाबेथ भी होती है। एलिजाबेथ सबको कहती है कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, पर इससे कोई भी सहमत नहीं होता। अब इन 9 की वोटिंग होती है कि इन 9 में से कौन इनका लीडर बन सकता है, यानी कि इन 9 में से कौन सा एक ऐसा सरदार होगा जिसकी बात सब सुनेंगे। सब अपने आप को वोट देते हैं, लेकिन जैक स्पैरो अपने आप को नहीं बल्कि एलिजाबेथ को वोट करता है, यानी कि सबको अब एलिजाबेथ की बात माननी होगी। एलिजाबेथ कहती है कि हम भागेंगे नहीं बल्कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है सबके सब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लॉर्ड कटलर से लड़ने के लिए तैयार हैं, और तभी हमें समुद्र में लॉर्ड कटलर के जहाज़ों की भीड़ दिखाई देती है। उनके पास बहुत सारे जहाज होते हैं, यानी कि उनसे जीता नहीं जा सकता। युद्ध से पहले जैक स्पैरो, बारबोसा और एलिजाबेथ विल लॉर्ड कटलर और डेवी जॉन से मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ विल को मांगती है, लेकिन विल के बदले उसे स्पैरो को देना पड़ता है। पर बारबोसा जैक स्पैरो से उसका सिक्का ले लेता है जो कि उसके सरदार होने का प्रतीक है। इसी तरह के सिक्के निशानियाँ हर एक सरदार के पास होती हैं, और अब ये अपने अपने जहाज़ों पर आ जाते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया जाता है जहाँ पर डियर डालिमा को बंदी बना रखा है, क्योंकि डियर डालिमा ही वो इंसान है जिसके अंदर समुद्र की देवी कैलिप्सो का वास है, और इसलिए उसने बारबोसा को जिंदा किया होता है। क्योंकि जब तक 9 सरदार इकट्ठा होकर अपनी निशानियाँ नहीं देंगे तब तक कैलिप्सो को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। ये सब के सब सिक्कों को, अपनी निशानियों को एक बर्तन में रखते हैं। तभी एक लुटेरा डियर डालिमा के कान में कहता है कि हम तुम्हें जिस्मानी कैद से आज़ाद करते हैं। इसके बाद उन सिक्कों में आग लग जाती है, और जब उसका धुआं डियर डालिमा के नाक में जाता है तो वो बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर विल उसे बता देता है कि डेवी जॉन्स ही वो इंसान था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसी ने लुटेरों के 9 सरदारों को तुम्हें बंदी बनाने का तरीका बताया था। और अब डियर डालिमा, जो कि असल में कैलिप्सो है, उसके शरीर का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। वो विशाल हो जाती है और सबके सब उसके आगे घुटने टेक देते हैं। बारबोसा कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हमारी जान बख्श दो और हमारे दुश्मनों पर अपना कहर बरसाओ। और अगले ही पल कैलिप्सो का शरीर केकड़ों में बदल कर समुद्र में चला जाता है, पर वो दुश्मनों पर हमला नहीं करती। इस बात से बारबोसा और सभी पायरेट्स पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जहाज़ों की बहुत बड़ी संख्या है। पर एलिजाबेथ अपने फादर का बदला लेना चाहती है, इसलिए वह सबको भाषण देती है। कहती है कि हम एक आज़ाद इंसान हैं और हम दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेक सकते, हमें आगे बढ़कर उनसे जंग लड़नी होगी। और सभी पायरेट्स अब जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अगले ही पल पानी में बहुत बड़ा भंवर आ जाता है, और ये सब कैलिप्सो कर रही होती है। और इस भंवर में 2 जहाज होते हैं, एक ब्लैक पर्ल और दूसरा डेवी जॉन्स का डचमैन। इन दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। वहीं डचमैन जहाज में, जहाँ पर जैक को कैद किया हुआ है, वो कैद से छूट जाता है
और इसके हाथ में वो संदूक भी लग जाता है जिसके अंदर डेवी जॉन्स का दिल है, और डेवी जॉन्स उसे देख लेता है इसलिए वो उसे रोकता है। और अब जैक और डेवी जॉन्स के बीच में खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वही ब्लैक पर्ल में दिखाया जाता है जहाँ पर विल और एलिजाबेथ साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं, और तभी विल एलिजाबेथ से शादी के लिए पूछता है, वो हाँ कर देती है और लड़ते लड़ते ही बारबोसा इन दोनों की शादी करवा देता है। वहीं डेवी जॉन्स और जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों उस बॉक्स के लिए लड़ रहे होते हैं जिसके अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। यहाँ पर डेवी जॉन्स के पास इस बॉक्स की चाबी होती है। जैक उसका वो सुर काट देता है जिसमें चाबी होती है, चाबी नीचे गिर जाती है। और जब डेवी जॉन्स जैक से बॉक्स छीनने की कोशिश करता है तो जैक उसे पकड़कर लटक जाता है, और जैक उस बॉक्स को भी गिराने में कामयाब हो जाता है। विल भी इस जहाज पर आ गया होता है इसलिए वो उस बॉक्स को उठा लेता है, और तभी उसके पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो विल को पहचान नहीं पाते और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं डेवी जॉन्स जैक को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है, और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ डेवी जॉन्स से लड़ती है, और जैसे ही डेवी जॉन्स एलिजाबेथ को मारने वाला होता है विल पीछे से तलवार उसके आर पार कर देता है। डेवी जॉन्स कहता है कि शायद तुम भूल गए, मेरा दिल मेरे पास नहीं है, और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है जिस पर विल गिर जाता है, और अब वो विल को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जिसके पास डेवी जॉन्स का दिल होता है और साथ में एक चाकू भी। वो उसे मारकर डचमैन जहाज का कैप्टन बनना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता डेवी जॉन्स अपनी तलवार विल के आर पार कर देता है, और अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो विल के हाथों से डेवी जॉन्स के दिल में चाकू भोंक देता है जिससे डेवी जॉन्स की मृत्यु हो जाती है। तभी शिप में जितने भी गुलाम होते हैं वो सब के सब विल की तरफ आते हैं। उसके पिता के हाथ में चाकू होता है और वो कहते हैं कि शिप का कैप्टन होना ही चाहिए। जैक स्पैरो और एलिजाबेथ यहाँ पर पैराशूट की मदद से निकल जाते हैं, और इसके बाद डचमैन जहाज समुद्र में डूब जाता है। जैक और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज में पहुँच जाते हैं, और उनके सामने लॉर्ड कटलर की बहुत बड़ी सेना होती है। सबसे आगे कटलर का शिप होता है, और तभी समुद्र के अंदर से डचमैन जहाज निकलता है जिसका नया कैप्टन अब विल है। विल अभी भी जिंदा होता है। कटलर को लगता है कि विल उसका साथ देगा, और जब उसका जहाज ब्लैक पर्ल कटलर और विल के जहाज के बीच में आता है तो दोनों तरफ से उस पर हमला किया जाता है जिससे उसको बहुत नुकसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वापस मुड़ जाती है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इनसे नहीं जीता जा सकता, पर रूल्स के मुताबिक अब विल धरती पर 10 साल में सिर्फ एक बार आ सकता है। उसका काम है कि आत्माओं को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना होगा। वो अपना काम शुरू करने से पहले एक दिन वो एलिजाबेथ के साथ गुजारता है, और जाने से पहले वो अपना बॉक्स जिसके अंदर उसका दिल है वो एलिजाबेथ को देकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जिसे बारबोसा धोखे से एक आइलैंड पे छोड़कर चला गया है। वो फाउंटेन ऑफ यू ढूंढना चाहता है जिससे इंसान हमेशा जवान रहता है। इसके लिए उसे नक्शे की ज़रूरत होगी, और वो जब अपना नक्शा खोलता है तो वो देखता है कि नक्शा बीच में से गायब है। दरअसल जैक ने पहले ही उस नक्शे को चुरा लिया होता है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो छोटी सी कश्ती में बैठकर उसी नक्शे को देख रहा होता है जिसके सहारे वो आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है, और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।